प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। पुल पर कुछ देर चहलकदमी भी की। प्रधानमंत्री ने कहा, देश हित के लिए कोई समझौता स्वीकार नहीं, समंदर से भी टकरा सकते हैं, पहले थी अटकाने वाली व्यवस्था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश का विकास ही हमारी प्राथमिकता, बिना किसी दबाव और प्रभाव के हो रहा है काम। महाराष्ट्र के नासिक में प्रधानमंत्री का रोड शो, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष अनुष्ठान शुरू किया। कालाराम मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने की सफाई, कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्रमदान करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कालाराम मंदिर में की पूजा अर्चना। विजिटर बुक में लिखा जय श्री राम। अटल सेतु इसलिए बना क्योंकि देश में मोदी राज आया, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में अब की बार 45 बार का नारा दिया, कहा एक बार फिर बनेगी मोदी सरकार। रामलला के प्रति इतना समर्पित होना बहुत अच्छी बात। प्रधानमंत्री मोदी के अनुष्ठान पर बोले आचार्य सत्येंद्र दास। प्रधानमंत्री के विशेष अनुष्ठान की स्वामी चिदानंद सरस्वती ने की तारीफ, कहा देश का सौभाग्य हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं। सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बधाई दी, कहा गरीबों को भोजन कराएं, मंदिरों और घाटों पर दिए जलाएं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का लेख, नियति ने तय कर लिया था अयोध्या में जरूर बनेगा राम मंदिर। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अयोध्या न जाने पर ममता बनर्जी पर भड़की बीजेपी। अग्निमित्रा पॉल बोली उन्हें 30% वोट की चिंता है। राम मंदिर पर राजनीति करने वाली कांग्रेस एक्सपोज। शंकराचार्यों ने सार्वजनिक चिट्ठी लिखकर प्राण प्रतिष्ठा का समर्थन किया। गर्भगृह का ढांचा पूरी तरह बनकर तैयार, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई धार्मिक बाधा नहीं। श्रृंगेरी शारदा पीठ के प्रशासक गौरीशंकर का बयान। भगवान राम के दर्शन के लिए कभी भी अयोध्या जा सकते हैं, बीजेपी ना करे राजनीति। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। चारों शंकराचार्यों का प्राण प्रतिष्ठा में न शामिल होना चिंता की बात, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। राम मंदिर को लेकर पवन खेड़ा का बीजेपी पर हमला, कहा एक राजनीतिक समूह ठेकेदार की तरह काम कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने पर सीपीआई की सफाई। डी राजा ने कहा बीजेपी और आरएसएस ने धर्म के कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया। देश के 66% लोगों को राम से दूर करने की साजिश हो रही है, आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया, विवेकानंद जी के रास्ते पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। विपक्ष पर आलोक कुमार का निशाना, कहा इन्हें अल्पसंख्यक वोट बैंक की चिंता है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति को नगर भ्रमण कराया जाएगा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी का बयान। इकबाल अंसारी ने पेश की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, अपने गनर को राम मंदिर का मॉडल भेंट किया। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की वजह से 22 जनवरी को यूपी में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। उत्तराखंड सरकार ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फैसला। 22 जनवरी को झारखंड में शराब और मांस की बिक्री पर बैन लगाने की मांग, बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन को खत लिखा। 2024 को लेकर इंडिया अलायंस में हलचल तेज, कल सुबह 11:30 बजे होगी वर्चुअल मीटिंग, कन्वीनर के नाम और सीट शेयरिंग पर चर्चा। दिल्ली की सीटों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक, मुकुल वासनिक के घर नेताओं का मंथन। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू का बयान, पिछली बार 17 सीटों पर लड़े थे, इस बार भी अपनी दावेदारी रहेगी, पहले भी 17 सीटों पर लड़े थे, अब भी इतने ही पर लड़ना चाहिए, जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बयान। जेडीयू के 17 सीटों के दावे पर बोले विधायक रामबलि यादव, जब नीतीश गठबंधन में थे तब आई थी इतनी सीटें, सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी की दोटू, कुणाल घोष बोले ममता बनर्जी ही आखिरी फैसला करेंगी। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, एक एक सीट पर कर रहे हैं चर्चा, अगर बीजेपी का विरोध करती है बसपा तो इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। मिलिंद देवड़ा को बड़ा झटका, उद्धव गुट के लिए छोड़ी जाएगी दक्षिण मुंबई की सीट, जल्द होगा ऐलान। सीट बंटवारे पर इंडिया अलायंस के फैसले से पहले पंजाब के सीएम का ऐलान, कहा हम सभी 13 सीटें जीतकर पूरे देश में हीरो बनेंगे। लोकसभा के 3 सांसदों का निलंबन वापस होगा, सांसदों ने अपने आचरण के लिए माफी मांगी। लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ कांग्रेस चीफ खड़गे की मीटिंग, 2024 चुनाव की रणनीति पर काम करने के निर्देश दिए। 18 जनवरी से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे सीएम केजरीवाल, लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता का राज्यसभा के लिए निर्विरोध चयन हुआ, सर्टिफिकेट मिला। सिक्किम की एकमात्र राज्यसभा सीट बीजेपी ने जीती, दोरजी शेरलिंग बने राज्यसभा सांसद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले राजस्थान संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नई भूमिका मिलने को लेकर चर्चा। लोकसभा चुनावों में बीजेपी डीएमके को देगी कड़ी टक्कर, 25 से ज्यादा सीटें जीतेगी, तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई का दावा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में मीटिंग की, जन आंदोलनों के प्रतिनिधियों संग चर्चा। राहुल की न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का तंज, कांग्रेस की नीति और नियत ठीक नहीं, जनता नहीं करती विश्वास। शिवराज सिंह चौहान ने कहा मैं रिजेक्टेड सीएम नहीं हूं, राजनीति में सक्रिय रहूंगा, लोगों का प्यार ही मेरी असली ताकत। जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। कांग्रेस ने उड़ीसा के लिए बनाई चुनाव समिति, इस साल राज्य में होने हैं विधानसभा चुनाव।
प्रधानमंत्री म्यूजियम में मोदी गैलरी बनकर तैयार। 15 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे विजिट। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का समापन। 26 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के एमओयू साइन हुए। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के समापन में बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत। वाइब्रेंट गुजरात समिट में जम्मू कश्मीर सेमिनार। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर में निवेश करने का मतलब भारत में निवेश करना। गुजरात सीएम की न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के साथ बैठक। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के निवेशकों को लेकर चर्चा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे और सीएम पटेल शामिल। गांधीनगर में बोले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे वाइब्रेंट गुजरात से भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने में मिलेगा फायदा। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर कमेटी गठित। असम सरकार ने जानकारी दी भारतीय नौसेना की अरब सागर और अदम की खाड़ी में पुख्ता सुरक्षा। कई प्रमुख स्वदेशी युद्धपोत किए तैनात। जापान भारत तटरक्षक का ज्वाइंट एक्सरसाइज। चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी में किया अभ्यास। डीआरडीओ को मिली बड़ी कामयाबी। मिसाइल आकाश एनजी का सफल परीक्षण। ओडिशा का पुरी जगन्नाथ कॉरिडोर तैयार। 17 जनवरी को सीएम नवीन पटनायक करेंगे उद्घाटन। नवी मुंबई में बीजेपी और उद्धव गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दीवार रेलवे स्टेशन का क्रेडिट लेने की होड़। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्त अधिनियम को लागू करने पर रोक से इनकार। केंद्र को नोटिस जारी करके अप्रैल में मांगा जवाब। पश्चिम बंगाल में ईडी का एक्शन। ममता सरकार की मंत्री सुजीत बोस और टीएमसी नेता तापस रॉय के घर ईडी की रेड। ईडी के एक्शन पर बरसी टीएमसी। कुणाल घोष बोले बीजेपी में टीएमसी का सामना करने की ताकत नहीं, इसलिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया। बीजेपी पर बरसी मंत्री शशि पांजा। कहा ऐसी गतिविधियों के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध। बंगाल में ईडी अधिकारियों पर अटैक के मामले में 2 गिरफ्तार। पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी की मांग की। झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को राहत। दर्ज 4 एफआईआर रद्द की। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अरेस्ट किया है। सूफी कॉरिडोर बनाए जाने के फैसले का स्वागत। मुस्लिम समाज बोला किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया। कॉरिडोर के जरिए मुस्लिम श्रद्धास्थलों का होगा विकास। लखनऊ में माफिया मुख्तार के करीबी अफरोज पर एक्शन। बाराबंकी पुलिस ने 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। पटना पहुंचे भारतीय जन युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। कहा बिहार के युवाओं का राष्ट्र निर्माण में होगा बड़ा योगदान। देहरादून में राष्ट्रीय युवा दिवस पर यूथ एज जॉब क्रिएटर्स प्रोग्राम। सीएम धामी ने युवाओं को दिया मंत्र, समय का करें सही इस्तेमाल। जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम। सीएम मजन लाल को माँ सरस्वती की प्रतिमा की गई भेंट। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल। एलजी ने कई जिलों के डीसीपी और स्पेशल सीपी का तबादला किया। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखी मुस्तैदी। हाजीपुर के सदर अस्पताल में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर रेलवे जंक्शन का निरीक्षण किया। कहा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम जारी। जयपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 3 मंजिला इमारत को जमींदोज किया। पटना के फुलवारी शरीफ में नाबालिग से रेप का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कबड्डी मैच में हार नहीं हुई बर्दाश्त। आंध्र के नंदयाल में 2 टीमें आपस में भिड़ी, जमकर हंगामा। कर्नाटक के हावेरी में कपल पर हमले पर एक्शन। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, एसपी ने जानकारी दी। केरल के कन्नूर में युवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तारी पर हंगामा। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने की पानी की बौछार। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद अहमद मट्टू की बढ़ाई गई हिरासत। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। पंजाब के जालंधर में तेज रफ्तार कार ने पुलिस वाले को कुचला। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस वाले की हालत नाजुक। यूपी में रामपुर में पुलिस से एनकाउंटर में 2 लुटेरों को गोली लगी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन। 3.9 डिग्री रहा तापमान। श्रीनगर में बारिश और बर्फबारी के लिए मस्जिदों में मांगी गई दुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। देश के 16 जिलों में कोरोना के नए वेरिएंट के 971 मामले दर्ज। 11 जनवरी तक आंकड़ा सामने आया। डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की बढ़त दर्ज। 1 अमेरिकी डॉलर ₹82.92 पर रहा। सेंसेक्स में रिकॉर्ड उछाल। सेंसेक्स 72,720 और निफ्टी 21,928 के पार।